नवागढ़ थाने में होली के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार सहित क्षेत्र के नागरिक भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के बारे में लोगों को बताया गया। इसके साथ ही जनता से अपील की गई कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गांवों में सभी सार्वजनिक आयोजनों और डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों को घर पर ही रहकर होली मनाने की समझाइश दी गई है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जैसे कि शासन के अभी नया गाइडलाइन आया हुआ है और सामने होली के त्योहार है, तो आज शांति समिति की बैठक रखी गई है, जिमा ये दिशा निर्देश दिए गए है कि जिला मजिस्ट्रेट के जो दिशा निर्देश है होकर अनुरूप अगर पालन करते हुए होली में मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, अधिकतम 5 व्यक्ति एक साथ रहना है, लोगों से ज़्यादा रहे मैं अर्थदंड दंडित किए जाए। ये सब गाइडलाइन अभी बताएगी, एक अनुसार हमारे नगर पंचायत में अभी आज मुनादी होते हैं, जेकर हिसाब से नगर के जितने भी रवैया है वो गाइडलाइन के पालन करते हुए होली के कार्यक्रम है वाला मनाएंगे। आज तहसील नवागढ़ अंतर्गत में आज होली के पूर्व समस्त ग्रामवासी और नगर के नगरवासियों को आहूत कर आने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। एवं धारा 144 जो लागू है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया और होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु निवेदन किया गया।